फैसिनेटिंग चीज है और मुझे तो बहुत फैसिनेट करती है। आपको लड़ाइयां भी यहीं पे मिलती हैं और आपको सुलहनामे भी यहीं पे मिलते हैं। आपको लोग रिश्ते टूटते भी यहीं पे नजर आते हैं और लोग रिश्ते जुड़ते भी यहीं पे नजर आते हैं। इस सब के दरमियान में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का सोशल मीडिया वो उससे भी ज्यादा एंटरटेनिंग है। वो एक दूसरे को सालगिरह पे वैसे विश करें ना करें, लेकिन सोशल मीडिया पे टैग करके विश जरूर करते हैं। और अगर खुदा ना खास तस्वीर ना हो इस फलां सेलिब्रिटी की उस फलां सेलिब्रिटी के साथ, तो हो सकता है उस दिन उसको विश ना किया जाए। इसलिए हमारे आज के गेस्ट एक बड़े जबरदस्त एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और कभी कभी डायरेक्टर भी बनने की कोशिश करते हैं वो। और साथ ही साथ वो एक पेनफुली गुड लुकिंग लड़के हैं। इतने गुड लुकिंग है कि परफेक्ट सेट ऑफ हेयर, परफेक्ट जॉ लाइन, परफेक्ट नोज, और नोज की बात के बाद आगे बात बढ़ाना फजूल होगा। इसलिए लेट्स कॉल मिस्टर शहरयार मुनव्वर। आपने करा दी पार्टी मेरी, बिकॉज आई वाज कुछ और ही मांग लेता मैं, यही मांगना चाहिए था। नहीं, मैं इस हद तक इसे मैनेज कर पाता हूँ, आप जो मांगते होंगे और चीजें वो मैं नहीं कर सकता पूरी। हाउ आर यू? I'm well, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो मुझे ये बताएं, एक चीज तो मैंने बड़ी नोट की शहरयार कि आप सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक और टाइप के इंसान हैं। छुपे छुपे से नजर आते हैं, यू हैव योर सेट ऑफ फॉलोअर्स विच इज ह्यूज एंड योर प्रेजेंस एज वेल, बट देन एट द सेम टाइम यू आर काइंड ऑफ शाय। आई यू नो टू बी ऑनेस्ट वासे मैं ये शाय नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरा एक पर्सनल रूल है। जनरली मैं जिंदगी में भी अगर कॉन्वर्सेशन भी कर रहा होता हूँ तो मेरा एक रूल है कि मैंने कभी रिलीजन पे बात नहीं करनी किसी से। अच्छा। कभी पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी, किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे बात नहीं करनी। ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत पर्सनल है। पर्सनल ये है। मतलब आपके और आपके खुदा के बीच में होना चाहिए रिलीजन। चले, रिलीजन तो और हो गया, पॉलिटिक्स की बात भी और हो गई, बट नाउ देयर सो मेनी इश्यूज प्रिटेंडिंग टू योर ओन इंडस्ट्री, इसके बारे में भी आप ज्यादा हमें नजर नहीं आए बोलते हुए। वो तो आपकी बात सही है, इश्यूज इतने सारे हैं कि टिश्यू खत्म हो जाएंगे, लेकिन इश्यू नहीं खत्म होंगे यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक आई कंप्लीटली शाय अवे फ्रॉम इश्यूज। आई फील आई कुछ चैरिटीज हैं जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं उनकी बात करता हूँ। बट हाँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आप मोबाइल पे अपना कितना टाइम गुजारते हैं? 6.5 hours was my average time on, wow, on average time था ये। मेरा एवरेज टाइम 6.5 hours था स्क्रीन टाइम। तो किससे बातें कर रहे थे आजकल? यही तो गम है कि 6.5 घंटे लगा रहे के बाद भी कोई बातें नहीं हो रही। ये फिर आपका गम मैं फौरी खत्म कर दूंगा। You have to pick up your phone. Everyone has done this, जो कि शो पे आया। It's fun game. आपको एक मैसेज मैं बताऊंगा, आपने वो मैसेज टाइप करके भेजना है लोगों को। Okay. I'll tell you the people as well. ठीक है? आप लिखिए, listen, I was wondering. I'm single these days. I was wondering के बाद .. ठीक है। आई एम सिंगल दीज डेज। ठीक है। .. ठीक है। आर यू आर यू question mark। ये भेज दीजिए।
ये मैं भेज दूँ। ये मायरा खान को भेजिए आप यही मैसेज सबा कमर को भेज दें। अच्छा हाँ देखिए हमें अब एक सिंगल लड़का मिला, हम क्यों ना फायदा उठाएं इस बात का। तू मेरी पिटाई करवा रहे हैं। घबराना नहीं है, देखिए शो का थीम ही है, घबराना नहीं है। There you can always throw it on us. We just want to see कि आपकी perception क्या है लोगों के सामने with your friends. मैंने भेज दिया है सबा को। सबा कमर को भेज दिया है। सबा कमर को भेज दिया है। और कौन सी हैं हमारे पास? माया अली को भेज दीजिए। आप माया को भेजने के बाद भेज दिया? भेज दिया। ये आयशा उमर को भेज दें। अच्छा हाँ जी, महवेश याद को भेज दें। चले उनको भी भेज दिया मैंने। और कौन है? बस कर दे। नहीं ईमान को ना भेजो, उन्होंने भी नहीं पढ़ना। सायरा यूसुफ को आप भेज सकते हैं। वैसे मुझे पसीने आ रहे हैं। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अच्छा लेट्स सी हाउ सीरियसली डू दे टेक यू। भेज दिया आपने सायरा? भेज दिया है। ठीक है चले अपना फोन साइड पे, अब मैं साइड पे रख देता हूँ। जी बिल्कुल, साइलेंट पे करके आपने फोन साइड पे रख दिया। जी जी, ये मेरे हाथ देख रहे हैं आप? वैसे आपने क्या किया मेरे साथ? जी ये शरीफ आदमी की शराफत होती है। ये तो देखिए अब इसका तो यही तो पॉइंट है सारा का सारा। तो मुझे शरीफ आदमी ये बताएं, डू यू, आप जानते हो यू नो ऑल ऑफ अस आर ऑन सोशल मीडिया एंड वी हैव गॉट ह्यूज ह्यूज फॉलोइंग्स, यू नो पीपल इन मिलियंस आर फॉलोइंग सेलिब्रिटीज। What do you think is the importance of social media? I honestly feel it's a place where people come and they feel ke wo ek screen ke piche chupe baithe hue hain, safe baithe hue hain, to wo kuch bhi keh ke nikal sakte hain. So I think that's what social media is being used for right now, unfortunately. What is your take on trolling? I think it's terrible. It's honestly terrible because aapko nahi pata ki aapka, maine pehle bhi aapko pichle aapne jo sawal pucha usme bhi maine aapko ye kaha कि आपको नहीं पता कि आपकी कही हुई एक बात अगले बंदे को कैसे चुभ जाएगी। यू नो आए दिन आप कुछ पढ़ते हो खबरों में, अभी पबजी आपने बैन कर दिया। हाँ। कि पबजी इसलिए बैन कर दिया कि लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया है। मुझे ये लगता है कि पबजी बिकॉज इट्स आउट देयर, उसमें गन वायलेंस नजर आ रहा है, तो वो कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, ठीक है, तो वो तो आपने कर दिया, बट आपने बुलिंग को अभी तक क्राइम नहीं बनाया, आपने अपने हरासमेंट को अभी तक क्राइम नहीं बनाया। आई ऑनेस्टली फील दैट उसके जो इम्प्लीकेशन है वो ज्यादा खराब है क्योंकि वो आपको नजर नहीं आते। You know, so I honestly feel अब तो माशाल्लाह हमारा साइबर कंट्रोल एक पूरा वो है, डिपार्टमेंट FIA के अंदर, बिल्कुल। So FIA के अंदर, and honestly it's very good because मेरा अकाउंट हैक हुआ था और उन्होंने मुझे within 24 hours, so you know kudos to you guys, amazing response time. अच्छा। लेकिन वो उसके बनने के बावजूद मुझे ये लगता है कि उसको हमने अब तक क्राइम नहीं बनाया। But I honestly feel that you know we really need to take steps towards that somehow, कुछ तरीके से curb करें उसको। हमने आपका सोशल मीडिया कुछ कोशिश की जानने की कि शहरयार क्या करता है, ठीक है, तो शहरयार उसके ऊपर हमने जो चीज़ें नोट की, आपके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हैं, आपके ट्विटर के ऊपर भी 35,000, नहीं यू नॉट दैट आई एम नॉट एक्टिव ऑन ट्विटर। वेल तो ये बताएं व्हाई नॉट सो? वही वाली बात है कि ट्विटर इज अ प्लेस जहाँ पे आप अपने ओपिनियंस शेयर करते हो। So, मुझे वही लगता है कि देखिए मेरी एक पर्सनल पर्सोना, मेरा एक अपना पर्सनल लाइफ है और मेरा एक पब्लिक पर्सोना है, ठीक है। जो मेरा पब्लिक पर्सोना है वो तो मैं नौकरी के लिए करता हूँ, बट मैं जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसको काफी साइड पे रखना चाहता हूँ। एंड आई फील के ट्विटर पे जो ओपिनियंस हैं दे आर मोर पर्सनलाइज्ड, आपके अपने ओपिनियंस हैं ऑन पॉलिटिकल व्यूज एंड मोस्टली इट्स पॉलिटिकल व्यूज और सोशल व्यूज जो चीजें हुई हैं उस पे, एंड दोज आर थिंग्स दैट आई यूजुअली कीप टू माय सेल्फ। अब वो मुझे ऑनेस्टली इसलिए लगता है कि वही कहते हैं ना छोटा मुंह बड़ी बात, तो मुझे ऑनेस्टली आई फील इन द सी ऑफ ओपिनियंस मेरा एक छोटा सा ओपिनियन क्या मैटर करेगा, तो क्यों नहीं यार, आप एक स्टार आदमी हो, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आप क्यों नहीं मैटर करेगा? आई फील मुझसे ज्यादा लर्नेड और बहुत ज्यादा मुतबर लोग ऑलरेडी हैं जो ओपिनियंस दे रहे हैं। ये एक तस्वीर आपकी, मैं कहां देख रहा हूं? ये आपको मैं दिखाता हूं। अच्छा ये आपकी तस्वीर है जिसके नीचे आपने सिर्फ कैप्शन भी नहीं है, हाँ, उसका सिर्फ एक हैशटैग है, हाँ, need to come up with a name for him, #ThunderCat। हाँ, पहली बात तो ये कि आपने ये डिमांड की कि इसके लिए एक नाम होना चाहिए, हाँ, हाँ, आप गालिबन पूछ रहे थे अपने फॉलोवर्स, हाँ, या फ्रेंड्स, हाँ, से, और साथ ही आपने नाम सजेस्ट भी कर दिया कि ThunderCat होगा। तो ये एक्चुअली में आप बिल्ली दिखाना चाह रहे थे या अपनी घड़ी को शो ऑफ कर रहे हैं? पहले तो बात ये कि आपने कहाँ से निकाली है? ये मैंने आपके इंस्टाग्राम से निकाली है, ये मुझे लग रहा है ये फोटोशॉप नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल, ये मेरी ये आपने 2013 में पोस्ट की थी, 2013 में, यार लड़प्पन के दिन थे मेरे। तो ये वैसे बिल्ली हयात हैं? जी जी बिल्कुल, ये इनका नाम जो है मास्टर शिफू है। मास्टर शिफू मास्टर शिफू मास्टर शिफू पहला दिन था जब ये मास्टर शिफू मेरे घर आए थे,
तो आई लव कैट्स और एक्चुअली 2013 की बात है, तो नया नेट इंस्टाग्राम पे आया था, मुझे रूल्स कवानीन नहीं पता थे कि इंस्टाग्राम के क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो बस बस ब्लैंक फायरिंग कर रहा था मैं। तो ये घड़ी भी आपके पास अभी तक है? ये घड़ी नहीं, ये घड़ी आई थिंक स्टाइलिस्ट है हमारी हानी, उनके पास है, बिकॉज ये मैंने होमन जहाँ में पहनी थी। अच्छा, तो क्या आप जो घड़ी पहन लेते हैं वो दे देते हैं किसी को? नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ये उन्होंने रख ली थी। ये वाली आप कब उतार रहे हैं? अच्छा वैसे मुझे पता चला था आपने कोई फरमाइश की थी, मुझे बाद में पता चला जब वो चले गए कि आपने कोई कहा था गोल्ड वॉच चाहिए। हाँ मगर वो नहीं, आपकी आपकी फरमाइश थी। हाँ मैं अगर मैं पता था ना कि आप देने दिलाने में उतार देते हैं आप। हाँ। एक बार मैं पहन लूँ तो मैं दोबारा नहीं पहनता। ठीक है। अच्छा एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, बड़ी हमें इंटरेस्टिंग लगी ये, एक आपकी और तस्वीर है। ये आप, ये जो आपका 2013 के ही आपने मेरे सारे भंड पकड़े हुए हैं, ये 2013 की होगी, ये भी आपने भी हटाए नहीं है। मतलब आपके अपने हाथ में तो अब कर लिया। अच्छा तो मुझे ये तस्वीर बताएं, इसका क्या है? ये आप सजल की तरफ देख रहे हैं? आप सजल को भंड बोल रहे हैं ऐसे तो ना? मेरी तस्वीर को कह रहा हूँ जो आपने किए, मैं आपको बताता हूँ। देखे बात ये है कि चले सजल की जो तस्वीर आ गई सही जैसी भी है, वो बेचारी एक्सप्रेशन दे रही है, ये कौन है? ये सनम है, सनम चौधरी हैं ये। इनका क्या कसूर था कि आपने ये इनकी इस किस्म के एक्सप्रेशन वाली? ये बड़े शौक से इन्होंने खिंचवाई थी। अच्छा नहीं, मुझे यकीन है कि 2013 में इफ आई नॉट रॉन्ग तो कैमरा भी इन्हीं के हाथ में इस टाइम पे लग नहीं रहा। इतना लंबा उनका बाजू है या पूरी सेल्फी स्टिक? ये वो हम आईने में थे। अच्छा ये आईने में खिंची हुई है? आईने में खिंची हुई है। मगर आप सनम चौधरी पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे। वो मैं अपने ड्रामा पे कैरेक्टर पे था। आपका कौन सा ड्रामा था? ये था आसमानों पे लिखा है। आसमानों पे तो नहीं, तो नीचे लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं, आसमान पे कहाँ लिखा हुआ है? मगर बड़ा ये हिट ड्रामा था इनका, आसमानों पे लिखा है। Also one of the first plays. जी, it was one of the first few that I did. Actually the very few that I did. उसके बाद फिर मैंने exactly one of the very few. तो मुझे एक बात बताएं, जब इतना हिट ड्रामा आपके पास था, ये भी एक था और एक आपका बहुत हिट ड्रामा आयजा खान के साथ भी था। जी जी। उसके बाद इतने हिट ड्रामे देने के बाद आपने टीवी क्यों छोड़ दिया? पहले तो बात ये, मुझे हिट या फ्लॉप था मुझे बिल्कुल नहीं पता। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको था। नहीं, आप इज्जत रख रहे हैं। नहीं इज्जत नहीं, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, मुझे तकलीफ है। उस वक्त अब रेटिंग आई थी इसकी। So I'm being honest to me. आप सही बात की है ना? I'm being honest. It was a hit play, so it's a hit play. ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, उसके बाद ये था कि जब मैंने शुरू किया था मुझे शौक बहुत था, बट बिकॉज हमारे पास कोई एक्टिंग स्कूल्स, कोई फिल्म स्कूल्स या कुछ होते नहीं है, सो व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग इसमें टीवी में, तो काम तो मिल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, वो कुछ क्लिक भी कर गई इतनी चीज़ें, काम के लिए कॉल्स बहुत आती थी, स्क्रिप्ट मिलती रहती थी, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या उठाऊँ क्या ना उठाऊँ, कुछ भी नहीं पता था मेरे पास। और फिर चॉइस ये थी कि मैं फिर फिल्म स्कूल चला जाऊँ और या तो फिर मैं किसी के पास असिस्ट करूँ। सो देन आई चोज टू वर्क विद आसिम, मैंने उनको असिस्ट करना शुरू किया। आई असिस्टेड हिम, मैंने उनको एडी किया 3 साल के लिए, एंड सो दैट्स दैट वाज ऑनेस्टली चितर खाए बहुत जूते खाए और ऐसे फिर खा। अगर एक तरफ एक्टिंग में आप ड्रामों में टीवी में इतना हिट हो रहे थे, तो फिर छोड़ छाड़ के आप चित्र खाने क्यों निकल गए? सर मैं सब सीखना चाह रहा था, आई वाजंट हैप्पी विद व्हाट आई वाज डूइंग, मुझे कुछ खुशी नहीं मिल रही थी, मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। यू वाजंट हैप्पी विद बीइंग अ हिट ऑन टीवी? आई वाजंट हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस, आई वाजंट हैप्पी विद व्हाट आई वाज गेटिंग आउट ऑफ इट। मुझे एक्चुअली आई वांटेड टू इंप्रूव टू बी ऑनेस्ट, मुझे समझना था कि कैसे करना है क्या करना है। और ऑनेस्टली आपको पता है टीवी जिस तरीके का, हमारे पास लोगों के पास टाइम नहीं होता, लोगों ने 5 घंटे यहाँ दिए होते हैं 5 घंटे वहाँ दिए होते हैं, सो उसमें उस हड़ावड़ी में मैं सेट पे आता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तो मैंने कहा कि यार फिर मैं कैसे समझूं, तो मैंने कहा मैं पैसे दे के फिल्म स्कूल जाऊं, इससे बेहतर है पैसे कमा के सीख लूं, तो फिर मैंने एडी की नौकरी। अच्छा वैसे डिड यू एक्चुअली वांट टू बी अ डायरेक्टर और नॉट? टू बी ऑनेस्ट आई ऑलवेज वांटेड टू बी बिहाइंड द कैमरा। आई ऑलवेज बिहाइंड द कैमरा एज अ प्रोड्यूसर और एज अ डायरेक्टर? एज अ डायरेक्टर। और मैं आपको बताता हूं मेरा शौक भी कहां से शुरू हुआ था, वो ये था कि बचपन से मेरी आंट, माय आंट वाज अ फिल्म मेकर, वाज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो मैं पीटीवी के सेट्स पर बहुत जाता था, तो उनके कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में घुस जाता था, इस तरह की चीज़ें। सो मुझे हमेशा से उनके पर्सपेक्टिव से ड्रामा नज़र आया था, कभी एक्टर के पर्सपेक्टिव से नज़र नहीं आया था। एंड देन व्हेन आई वाज एट आईबीए, तो मेरा माइनर था एडवर्टाइजिंग में, मेजर था मेरा फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग में माइनर था, तो मेरी एडवर्टाइजिंग की टीचर बहुत उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। फिर एड मेकिंग कॉम्पिटिशन्स हुए थे, एक हुआ था एड ओवर हुआ था KFC के लिए, जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कम्पीट किया था, एंड आई मेड एन एड फॉर KFC और वो आई वन फॉर दैट। So एडवर्टाइजिंग का मुझे बहुत शौक हो गया था, फिल्म मेकिंग, यू नो, शॉर्ट फॉर्मेट। सो जब मुझे मौका मिला आसिम साहब के साथ, जब मैंने एक दो एड्स किए, तो मैंने उनको कहा कि कैन आई यू नो वर्क विद यू, तो फिर उन्होंने मुझे, ही टुक मी इन एज एन इंटर्न फर्स्ट,
एंड तो वो दैट्स हाउ आई गॉट स्टार्टेड। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, आपकी बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग तस्वीर लगी और उसमें मुझे पता चला कि आप माशाल्लाह कितने कॉन्फिडेंट हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी। ये तस्वीर है आपकी, इसके नीचे आपने लिखा है अनप्लान्ड नाइट आउट आफ्टर कैजुअल कप ऑफ कॉफी विद फ्रेंड्स माय एक्सक्यूज फॉर द स्वेटर। अच्छा, ये तस्वीर लगाने के बाद आप एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आपको या आपके स्वेटर को नोटिस करेगा? मैं कॉफी पीने गया था, देखिए। नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि यू एक्चुअली थॉट कि आपके स्वेटर को या आपको इंस्टाग्राम पे क्या कर रही है, ये कब का एक और साल? ये भी सर आपका अल मशहूर 2013 का साल है। 2013 में क्या कर रहे थे अपने साथ? 2013 में एक्चुअली शुरू किया था मैंने। और ये दो खवातीन कौन है? फ्रेंड्स, दोस्त थी। इनके कोई नाम, जिस तरह पिछली वालियों के दो नाम थे उनके अम्मी अबू ने रखे? बहुत जोरदार पड़ेगा आपको, इनके नाम ही नहीं याद। दो रैंडम लड़कियां आपके साथ खड़ी हुई और आपको उनका नाम ही नहीं याद। आपके इंस्टाग्राम पे जिंदा है पिछले 7 साल से। फिक्र ना करें, ये कल नहीं होगी। मुझे याद आ रहा है आप। आई फाउंड दिस टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बड़ा एक और तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। ये तस्वीर आपकी जिसके नीचे कोई कैप्शन नहीं है। हाँ। ये गालिबन किसी क्रिकेट मैच के ऊपर आपने खींची। ये बांग्लादेश में था, ये पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच था। अच्छा, जिन्होंने भी खींची ना उन्होंने आपको फोकस में रखा ना पीछे ग्राउंड फोकस में है। तो ये इतना फोकस आउट क्यों था उनका? ये मेरी बहन ने खींची थी तस्वीर। मगर आपने सोचा नहीं कि did you actually notice this कि ना आप फोकस में हो ना ग्राउंड फोकस में है? I've never seen this, कि दोनों चीजें आउट ऑफ फोकस। वो झंडा फोकस में है। नहीं, झंडा भी बेचारा वैसे थोड़ा झंडा तो फोकस में। सर जब झंडा फोकस में है तो मेरी शक्ल और ग्राउंड की क्या जरूरत है? ओए, ये क्या जबरदस्त जवाब दिया आपने। इसी पे मैं अगली तस्वीर पे चलता हूँ। फोकस से याद आया, एक और तस्वीर आपकी जिसपे आपने लिखा हुआ है टिपिकल रैकी। हाँ, तो ये आप अमूमन ये स्विम शॉर्ट्स पहनी हुई है मैंने। स्विम शॉर्ट्स में ही रैकी करने जाते नहीं हैं। ये स्विम शॉर्ट्स इसलिए पहनी हुई है बिकॉज़ ये शूट जो थी हमारी वो थी दिस वाज अ वाटरफॉल। वाटरफॉल पे हमारी शूट थी एंड आप हम में से काफी यहाँ पे मैंने देखा है एडीज बैठे हुए हैं, तो उनको पता होगा कि जो एडी की नौकरी होती है वो बहुत मजदूरों वाली होती है, तो आपको घुसना पड़ता है, आगे पीछे होना होता है। सो आई हैड टू बी इन दैट। आपको आसिम रजा ने पानी में घुसा दिया था जी। और खुद जो डायरेक्टर था वो बाहर बैठा हुआ था। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है काम करने की। यू हैव अ पिक्चर विद फवाद खान जी और आप नीचे लिखा है पाकिस्तानी स्टीव मैकक्वीन पार्टीज लाइक अ रॉक स्टार। आप में से कौन है इसमें स्टीव मैकक्वीन? वो फवाद साहब भाई, फवाद साहब से बड़ा कोई स्टीव मैकक्वीन। तो ये क्या क्या था ऐसा जिससे आपको लगा कि पाकिस्तानी स्टीव मैकक्वीन है? वैसे मेरी बात सुने, व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट दिस पार्टी? प्लेजेंट मेमोरीज, बहुत अच्छा, हम साथ बैठे थे, हमने बातें की थी। वो तो हमें नजर आ गया साथ बैठे, ये इतनी सी बातों पे आप रॉकस्टार बना देते हैं। ये तो मैं भी आज यानी कि रॉकस्टार लग रहा हूं। उनकी पर्सनालिटी थी मैकडॉनल्ड्स है एंड कुछ बातें वासे छोड़ भी देते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ बातें ठीक है छोड़ भी देते हैं। एक और तस्वीर व्हिच आई रियली फाउंड टू बी, कौन से सालों की तस्वीरें निकाली है आपने? सब आपका है कोई भी? देखिए जब से किबला दुरुस्त हुआ तब की निकाले। आपकी जो पहली इंस्टाग्राम पोस्ट है आपको पता है कौन सी है? नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। Do you have no idea? I have no idea. I have no idea. What do you think? किस क्या होगी? वैसे अंदाजा लगाइए आप जरा। I think ये actually New York की trip से ही होगी 2013 की, because तब मेरी दोस्त थी, उन्होंने मुझे Instagram से introduce कराया था और कहा हम बैठे हुए थे कहीं पे, dinner पे बैठे हुए थे और उन्होंने ही उसी वक्त account बनाया और बोला कि बस आज से Instagram पे आ जाओ। ये New York की दोस्त, आपको उनका नाम तो गालिबन याद होगा ही। जी बिल्कुल, उनका नाम याद है मुझे। क्या अगर याद है तो फिर क्यों नहीं बता रहे आप कि ऐसा कोई नाम है? शायद याद है। शायद नाम था उसका? मेरी शायद याद आ रहा, मैं जोर लगा रहा हूँ। 2013 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, आप लगाएं। अभी तक सिर्फ सज्जल और सनम चौधरी का नाम याद है आपको आपके इंस्टाग्राम से? नहीं, तो आधी दुनिया को याद है, बड़ी स्टार्स है वो। एग्जैक्टली, तो ये कौन है जिनका आपको नाम नहीं याद आ रहा? I'm blank right now. वासे यू। आपकी पहली तस्वीर जो Instagram पे है वो ये है। और ये क्या है? ये भी हसीना है। इसमें ये आपको क्यों आप हमारा दिल खराब कर रहे हैं? ये क्या तस्वीर है?
क्या आपको याद था कि ये आपकी पहली तस्वीर है? नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं था, और मुझे लगता है हमजा को भी ये बिल्कुल याद नहीं होगा। उनको तो खैर अपनी तस्वीरें याद ही नहीं रहती हैं, अब इतनी हो चुकी हुई हैं, मगर दिस वाज योर फर्स्ट पोस्ट। हमजा को काफी तस्वीरें याद नहीं रहती हैं। एग्जैक्टली, तो 2013 है ये भी, वही साल जिसके अंदर शहरयार जो है दुनिया के सामने आए। वही एक 2013 था, एक 2020 है। ये बीच में 7 साल जो थे, आप सेफ चले हैं। ये क्या तस्वीर है मुझे बताएं? ये एक फिल्म कर रहे थे हम, जिसका नाम था कमबख्त। कमबख्त, अच्छा। और ये फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई? ये आज तक रिलीज नहीं हुई, एंड ये बन गई थी। अच्छा। एंड पूरी बनाने के बाद आई थिंक हम सारे साथ बैठे थे और हमने कलेक्टिवली डिसाइड किया था कि ये किसी एक दिन 50 साल बाद हम लोग साथ मिलके बैठ के देखेंगे, लेकिन ये बाहर कभी नहीं जाएगी। ये क्या मतलब, बाहर क्यों नहीं आएगी बेचारी? बस वो बचपन में लोग बना लेते हैं फिल्में। ऐसी कोई फिल्म थी? नहीं, ऐसी बस ये जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं ना, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कैसी फिल्म थी जो आप दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। नहीं नहीं, टू बी ऑनेस्ट, इट वाज वे 2013 की बात है। It was a bunch of us. We were kids. We were having fun. So production values ki koi itni khas nahi thi. You know, bas camera utha ke 5D utha ke humne shoot kar di thi. Ye jo aapne kaha kids, bunch of kids were having fun. In kids mein us waqt 2013 mein Humayun Saeed bhi the. Am I right? वैसे आपने पूरा प्लान बनाया हुआ है मुझे पिटवाने का। कि नहीं नहीं, मैं पिटूंगा, आप क्यों पिटेंगे? भाई अच्छा, we were very lucky to be honest, क्योंकि ये रिलीज नहीं हुई। नहीं, वो भी I think we were very lucky because Humayun agreed to do this role, cameo. हाँ. Because I think उस वक्त हमजा ने शूट की थी मैं हूँ शायद आफरीदी, Humayun के साथ, तो उनकी बड़ी दोस्ती थी, अभी है, and so हमजा asked for that favor, और जब Humayun when he signed on board तो हम लोग बड़े सेट पे खुश हुए थे, oh Humayun आ गए, Humayun आएंगे, and so वो आए थे, और क्या होता है, हमजा ने 6 दिन लगा दिया Humayun का एक सीन शूट करने में, वो इतना एक्साइटेड था, तो वो एक सीन बड़ा अच्छा शूट हुआ है, तो वही रिलीज कर दें। हाँ, चलते हैं। अब तो वैसे ही आजकल टोटे बड़े चलते हैं, तो टोटो में कहीं आप लगा दीजिए उसको। क्वारंटीन चल रहा है क्यों? I think we need to take a short break over here. Goat में हमने भंग पिया। तो हो गया आपका अपना, जो आपने खुद अपने साथ किया वो हमने आपको दिखाया। अब कुछ आपके व्यूज हम जानेंगे अबाउट थिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग अराउंड ऑन सोशल मीडिया। रीसेंट टाइम्स के अंदर हमने देखा एक बहुत ज़्यादा डिबेट शुरू होगी अबाउट नेपोटिज्म। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, अगर मैं ऑनेस्टली आपको एक जवाब दूं तो मीडिया इंडस्ट्री बिकॉज हाईलाइट स्पॉटलाइट में है तो वो आपको नजर आता है, बट नेपोटिज्म एक ऐसी चीज है जो हर इंडस्ट्री में है। अगर मैं कहता हूँ कि आप स्टॉक्स में काम करें तो जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, कुछ लोग हैं वो अपने फेवरेट ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं। अगर मैं जाऊँ, मैं किसी भी इंडस्ट्री में, मैं एडवर्टाइजिंग में चला जाऊँ इन द सेंस के फ्रॉम एजेंसी साइड पे, तो सर्टन ब्रांड्स अपनी प्रेफर्ड एजेंसीज के साथ काम करते हैं। सो वो तो नेपोटिज्म एग्जिस्ट इन एवरीथिंग, बिकॉज उसमें सिर्फ ये होता है कि आपकी एक सर्टन केमिस्ट्री होती है। आपने अगर किसी बंदे को जाना है काफ़ी टाइम से, आपको पता होता है कि इससे मैं काम आराम से निकाल दूंगा, बिकॉज स्पेशली मीडिया में अगर आप देखें तो आपका काम जो होता है वो बहुत ख़तरनाक किस्म का होता है। 12 घंटे आप सेट पर होते हो, और अगर आपको बंदा बर्दाश्त ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। आपने 2 फिल्में खुद प्रोड्यूस जो की, आसिम वॉज द डायरेक्टर, विच अदर डायरेक्टर यू वॉन्ट वर्क विद एज अ प्रोड्यूसर? I mean, Nadeem's here. I would love to work with Nadeem. I think Haisam is somebody that I've been very fond of. Haisam, and I haven't. मुझे लगता है उनके अंदर बहुत talent, मतलब amazing, इतने talented director हैं और काफी time से नजर नहीं आ रहे. So he's somebody that I would want to. Haseeb is another director who I think. Itisham Saab, I think, is a wonderful director. There are a lot of directors that I would want to work with. वो बात है। But anyway, आपकी nepotism वाली बात को मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। तो I would suggest उसको फिर क्या, आप असला थोड़ी है, कोई उसको देख लेंगे, कर लेंगे, इसमें क्या problem आ गई भाई? मेरी आंखें खराब हो गई, मुझे एक बंदा दो दफा नजर आ रहा है। Joke। यार बात के दरमियान में क्यों आ जाते हो यार तुम? यार वासिफ भाई, आपको तो पता है बारिश हो रही थी ना शहर के अंदर, केबल सबका निकल गया, सब कह रहे नॉर्मल गाने देख रहे, लेकिन उनके टीवी पे बारिश वाले आ रहे हैं। जो बिल्कुल यार, आप भी अरे कहो ना,
वैजन आप यार ये मुझे मेरे बहुत फेवरेट है ये। तुम्हारे हर कोई फेवरेट होते हैं? फेवरेट फेवरेट क्या होता है? मेरे फेवरेट है यार ये लड़का मेरा फेवरेट है यार। फेवरेट होता है? ये मेरे फेवरेट है। इन्होंने इतने मोबाइल बेचे इतने मैंने छीने नहीं है। तुम मोबाइल छीनते थे भाई? इतने हैंडसम लग रहे हैं यार, इतने जबरदस्त कूल लग रहे हैं। मेरे दोस्त ने मुझे परसों फोन किया इनके बारे में। क्या? मुझे कह रहा है यार वो ऋतिक रोशन खड्डा मार्केट पे रोल खा रहा है। मैंने बोला नहीं है वो ऋतिक भाई। कहता नहीं वो आता रोज है, रोल भी सेम खाता है, साथ लेडीजें अलग अलग होती हैं। लेडीजें कुछ नहीं होता, लेडीजें ले लेके जा रहे हैं अलग अलग। लेडी होता है लेडीजें यार। आप भी यार, आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी आपने, वो गाजी अली फिल्म अच्छी थी। कौन सी वाली? गाजी अली। गाजी अली नहीं, सिर्फ गाजी था। हाँ वो गाजी जो थी वो गाजी आई है फिर रुक गई। हाँ फिर उसके इंतजार में लोग शहीद हो गए। कुछ तो देखने के बाद भी शहीद हुए थे। मैं तो कहता हूँ भाई को अभी तक सही एक्सपोज नहीं किया वासे भाई किसी ने। अच्छा यकीन करें ये एक्शन हीरो पाकिस्तान का। आज मैंने काफी एक्सपोज कर दिया मुझे। एक्सपोज तो हो गए आप, चलो खैर है। लेकिन एक बात है कि यार आपको जो ना एक्शन हीरो बनना चाहिए और आपको एक्शन हीरो बना सकता है सिर्फ और सिर्फ आपका भाई सोनी सदफ। कौन सा सदफ? सोनी सदफ। आप नेपोटिज्म की बात करें, एक और आगे नेपोटिज्म के शिकार। सोनी सदफ आपको जो है ना आप बना सकता है और लिखेंगे आप वो फिल्म। अच्छा वो फिल्म आप लिखेंगे, आप रोल करेंगे, मैं बात करूंगा नदीम बेग साहब से। अच्छा नदीम बेग साहब वो फिल्म बनाएंगे और देखने आएंगे हारून और शाहरुख। हाँ, exactly. घर के अंदर ही सारी बात हो गई, केबल मेरा है, हर घर में चल जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन उस फिल्म के अंदर ना यार आपको एक्सपोज होना पड़ेगा। ठीक आप सही सुपर हीरो आए नहीं हो अभी तक सुपर हीरो टीम पे। यार हम करेंगे हॉलीवुड के लेवल की। मैं बहुत एक्सपोज हो गया, आपने मेरा आईटी देखा भी, वो हॉलीवुड के लेवल की करेंगे यार। डन हो गया। तुम भाई ने गाजी किया, परतकुल गाजी करेंगे हम। इस्पगोल कर दीजिएगा इसको। इस्पगोल गाजी, ये बहुत प्यारा नाम लिया आपने, वीआईपी नाम लिया यार भाई जो ना आपने। ओके भाई कोई काम हो तो बता दीजिए। कोई काम नहीं इसके बाद बचा। नहीं कोई काम हो तो बता यार, तुझे काम दिलवा दिया यार। बिल्कुल तू फिल्म लिखेगा मेरे भाई। बिल्कुल मैं नदीम बेग से बात कर लेता हूँ, मेरे पास तो नंबर सबके नंबर पड़े हुए ना। नंबर ले ले नंबर। हाँ ठीक है भाई, फिर मुलाकात हो रही है यार। इनकी एक चीज ये अच्छी लगी, अपने टैलेंट पे आई है। वरना आजकल जो आप लोग बात भी कर रहे थे ना यार, जुगाड़ पे आ जाते हैं कि वालदेन की। एक मुझे बंदा मिला कह रहा है मैं बाहर से फिल्म पढ़ के आया हूँ। मैंने कहा भाई देखने की चीज है, पढ़ने की तो चीज ही नहीं है। तुम जाओ देख के आ गए। सेटअप लगा लो, सेटअप लगा लो भाई। देख मुझे एक बात बताएं, आपकी तीन फिल्म्स में आपने माहिरा खान के साथ काम किया और जिस एक फिल्म में आपने माहिरा खान के साथ काम नहीं किया वो फिल्म ही नहीं आ पाई। तो ये क्या कोई लकी चार्म है आपका, या आप की केमिस्ट्री ऐसी है, या फिर आपकी जिद बन चुकी हुई है? मायरा वैसे ही लकी चार्म है, किसी का भी जहाँ पे लग जाती है वो हिट हो जाती है चीज। जहाँ पे लग जाती है वो हिट हो जाती है, मायरा खान का स्टिकर भी उन्होंने बना दिया है कि जहाँ पे लग जाती है। अच्छा तो ये मायरा खान के साथ तो आप डिलिबरेटली काम कर रहे हैं? नॉट रियली। पहली वाली फिल्म में मायरा थी, मैं हो गया, बड़ी बात थी। मैं बाद में आया, मायरा पहले थी। आपने तो होना ही था, आप उस वाली फिल्म के तो प्रोड्यूसर। नहीं बट मैं प्रोड्यूसर था, बट मैं उसमें एक्टर नहीं था पहले। अच्छा। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो रोल्स थे उसके लिए काफी लोगों को हमने ऑडिशन किया था। एंड क्या होता है, आई ऑडिशन और पहले मुझे अदील वाला रोल करना था। अच्छा। एंड अदील को मेरा वाला करना था और फिर उसके बाद फिर अदील वांटेड टू डू नादिर रोल बिकॉज ही वांटेड टू बी ऑपोजिट। सो फिर उसके बाद फिर उन्होंने आफ्टर जो अरहान का कैरेक्टर था उसके ऑडिशंस करने के बाद जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम कर लो, उसके बाद फिर वैसे सॉरी टू कट यू, आप अगर वो रोल ना करते तो हु डू यू थिंक कर सकता था आपके अलावा? आई एम ब्लैंक, आई एम जस्ट हैप्पी कि मैंने कर लिया। मुझे मगर एज अ प्रोड्यूसर इफ यू न्यू द रोल एंड हु वुड यू थॉट कि यार ये अगर कर ले या ये कर लेता या ये कर सकता था रादर। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आई थिंक वो इनिशियली लिखा ही अदील के लिए गया था। अच्छा अदील के लिए ही लिखा गया था? अदील के लिए लिखा गया था। ओके वो लिखा ही अदील के लिए गया था एंड दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा क्राफ्ट भी आसन में वैसे किया था सोच के अदील को। सो आई कांट थिंक बियॉन्ड अदील बिकॉज जितनी हमने कॉन्वर्सेशंस की थी उसकी प्री प्रोडक्शन में उसमें अदील वाज सपोज्ड टू डू दैट। ओके सो ये था। बट हाँ सो पहली फिल्म में आई वॉज लकी कि मैं हो गया उसका पार्ट। मायरा तो थी हमेशा से। सात दिन मोहब्बत इन में इनिशियली मायरा वॉज नॉट सपोज टू बी देयर बिकॉज वो पिच उन्होंने की थी मायरा को एंड मायरा ने मना कर दी थी या फिर सोच रही थी या कोई ऐसी बात हुई थी। फिर मैं और मायरा फिर से न्यूयॉर्क में मिले थे। बट ये न्यूयॉर्क ऑफ कोर्स ये 2016 की बात है। फेवरेट जगह आपकी न्यूयॉर्क? बहुत नहीं, ये बस आज कहानी में दो दफ़ा आ गई है।
2016 में आई रिमेंबर हम मिले थे और बड़ा फिल्मी मोमेंट था कि ऐसी बात बात कर रहे थे और मैंने सात दिन मोहब्बत इनको मेंशन किया और ये मेंशन करके मैंने मैनहट्टन में थे मैंने रोड क्रॉस की और वो उस साइड पे रह गए बिकॉज बीच में गाड़ियाँ आ गई और उन्होंने उधर से बोला सो आर यू गोना डू इट मैंने कहा या आई एम गोना डू इट तो वहाँ से उन्होंने आवाज़ दी आई थिंक आई एम आल्सो गोना डू इट और फिर उसके बाद फिर यानी कि अगर आपको और माहिरा खान को फिल्म पिच करनी हो तो इंसान न्यूयॉर्क में करे नहीं बिल्कुल भी नहीं एंड देन ऑफ कोर्स आपकी लास्ट फिल्म परे हट लव के अंदर भी परे हट लव के अंदर तकरीबन माहिरा खान निकलती जा रही थी मगर आपने कहा कि नहीं माहिरा खान के बगैर मैं नहीं बनाऊंगा और माहिरा खान वापस आ गई ये बड़ी इंटरेस्टिंग है मुझे ये बात बताएं वैसे यू आर वेरी प्राइवेट पर्सन आपके सामने जो आपने चीजें आज तो आपने सब खोल दिया नहीं नहीं अभी काम तो आपने जहाँ पे इतनी चीजें कवर की हैं जिस तरह आपने कहा आप ज्यादा चीजों पे बात नहीं करते हो आपकी पर्सनल लाइफ खुद ही से सोशल मीडिया पे आपने एक तो होता है कि जो स्पेकुलेशन होती है फिर कुछ पॉइंट पे आपने खुद ही एक दो इंटरव्यूज के अंदर उसके बारे में क्लेरिफिकेशंस दे दी जो आपके साथ हुआ एंड यू काइंड ऑफ मेड पीपल अवेयर के यार ये स्टेटस है मेरा और उसके बाद दोबारा स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई अबाउट शहरयार मुनव्वर तो ये तो आपने खुद किया था ना नहीं ये व्हाट यू रेफरिंग टू आई थिंक वो ऐसे हुआ था कि एक इंटरव्यू था आपका आप अपने किचन में थे गालिबन और इंटरव्यू के दौरान बात जो थी वो इट वाज जस्ट सेड एंड आई थिंक बहुत पासिंग में बात हुई थी तो उसके पहले और आगे पीछे जो है वो काफ़ी चीज़ें बातें हुई थी बट लोगों ने वो छोटा सा एक 5 सेकंड का क्लिप निकाला मतलब का वो वाला था ना हाँ एक गुड लुकिंग आदमी है वो मतलब का तो यही वाला आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात होती है एक तो उसको उठा के फिर हर किसी ने अपनी मर्जी से हाँ उठा के लगा दिया नहीं लेकिन वो एक बात जो थी दैट यू सेड दैट यू आर सिंगल नाउ सो यू आर सिंगल या इट वाज एज सिंपल एज दैट बॉर्डर लाइन तो उसका यही था ना कि आप सिंगल हैं बॉर्डर लाइन वाज दैट तो आप सिंगल ही हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है आप अभी भी सिंगल ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल ये देखें कितने खुश चल रहे हैं ये सिंगल से कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आई थिंक अबे यार बिजी ब्रो तुझसे मैं बात नहीं कर रहा ब्रो क्यों तू रात को यार रैली पे भी नहीं आया तू ना जीरीज पे आता है ना तू पोकर नाइट पे आता है ना तू फीफा खेलता है ब्रो तेरा मसला क्या है आई गेट इट तू गर्ल्स के साथ आज तूने बॉयज बुलाए हैं ब्रो यस बॉयज बुलाए हैं आज बॉयज ब्रो इसको मैं जानता हूँ ब्रो आई एम श्योर ऑफ कोर्स तुझे पता नहीं है हम एक ही गोट से हैं ब्रो एक ही गोट से हमारा गांव से मैं अदा किया खुश चंगा भलो ए1 जबरदस्त ताल गायो किया आयो ब्रो असल में मुझे पता है कि लाइक कोविड टाइम्स चल रहे हैं मैं पास नहीं आऊंगा लेकिन मैं आपके लिए मैं आप आ जाएं अच्छो 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 साईं हुकुम तहां जलाए यो एक्चुअली मैं लोगों को बता दूं पिक्चर खींचो यार पिक्चर खींचो पहनाते हुए ऐसे ठीक है असल में ना ब्रो तुझे नहीं पता होगा तू पंजाबी है ना तुझे पता ही नहीं है कुछ पंजाब नहीं जाऊंगा पंजाब तू असल में पता सीन क्या है क्या सीन है हमारे लाइक culture we're very cultured like that me and him both bhau ji ko aana cultured up bro okay aise thori hai ki aise uth ke aa gaye hain type hum cultured log hain to hamare sindh mein na respect dete na respect sai tum log sai sai mazak udate ho hum sindhiyon ka yaar kya bakwas hai nahi nahi aisa nahi hai bilkul to hum jo hai na respect mein kya karte hain respect mein hum bros ko Even girls को यार अब तो girls भी पहन रही होती हैं अजरक एंड ऑल अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ ग्लोबल पहुंच गया है तो हम रिस्पेक्ट में पनाते हैं तो मैं और भाव जो है ना बात जो है ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये कल्चर जो है ये 6000 साल पुराना है हरप्पा सिविलाइजेशन जो थी वो इस साइड बॉर्डर के इस साइड ही थी एंड दैट्स व्हिच इज द अर्लीस्ट वन ऑफ द सिविलाइजेशंस एंड इट्स बीन प्रूवन के जो अजरक है वो फ्लावर डाई से बनाया करते थे वो लोग बैक इन दैट डे सो असल में ना ब्रो जो है क्यों मेरा बचपन का दोस्त क्यों है क्यों है कि मैंने किसी एक्टर से दोस्ती नहीं की ब्रो एक तो हम फैमिली फ्रेंड्स हैं क्योंकि ब्रो सीन ये है कि लाइक असल में रात को लाइक बहुत लेट उठा हूँ मैं थोड़ा सा जेट लैग भी चल रहा हूँ नोमैडिक लाइफ जीता हूँ ना तो एलए में भी मिले थे हम फिर हम लोग साथ में लाइक गोट में हमने शिकारपुर में पार्टी की थी ब्रो तू भूल गया रैली की थी तेरी हार्ली पे की थी यार ये खुद बाइकर बॉय है यार तू छोड़ ये आएगा रैली पे तो हमने साथ में शिकारपुर में गर्ल्स क्रेजी हो गई थी यार हमें देख के शिकारपुर दो लाइक मॉडर्न डिफेंस के सिंधी लड़के आ गए बच्चियां लाइक पागल हो रही थी मैंने कहा यार रिलैक्स करो इजी गोट में हमने भंग पिया व्हाट इज इट कॉल्ड व्हाट डू दे कॉल इट ब्रो I think they मुझे call कुछ it, याद नहीं there, there's this drink. But bro, don't be shy, bro. अपना ये अपना bro है VC. अपने bro का मसला नहीं, camera was on है.
डायरेक्टर से मैंने बात की है, वो नदीम बेग नहीं है बनाता है क्या बनाता है वो जवानी आएगी जाएगी तो मैंने कहा यार मेरी मूवी में कोई जवानी की बात ही नहीं करेंगे वो इनफॉर्म लाइक दैट वोक यार वोक कल्चर हीरोइन कौन है पहले मैंने सोचा कि मायरू को ले लें किसको मायरू अबे यार उस दिन आई तो अभी मेरे सिक्की से मिली भी थी नाम पूरा बोला करे प्लीज मायरा जी मैं रिस्पेक्ट करता हूं मायरा खान दूसरा में मैंने सोचा महविश को ले लें महविश अच्छा ठीक है फिर मैंने सोचा यार कि किसी नई लड़की को चांस देते हैं इनकी फिल्म देखी है ऐसे आपने ब्रो यही तो बता रहा था तू मेरी सारी लाइनें खा जा ना मैं बता रहा था कि मैंने मुझे किसी ने बोला यार कि वो एक मूवी आई है मैंने जब मूवी देखी ना यार तो वो एक लड़की थी और वो कुछ बहुत डांस कर रही थी एंड स्टफ और मैंने कहा यार ये पाकिस्तानी गर्ल है तो मैंने कहा यार यही है वो लड़की जो भाई की हीरोइन बनेगी कौन है माया माया अली अली माया अली या माया अली तो उनसे पूछ ले उनके ख्याल में कौन सी बेहतर रहेंगी वो बोल रहे माया को ले लो यार अच्छा आप माया को रिकमेंड कर रहे हैं मैं सोच रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है बहुत बड़ा नाम है सोहेली आबरू उनको ले लेते यार वो मेरे साथ काम नहीं करती अच्छा पता नहीं उनको मुझसे क्या जेलसी है ना असल में वो अपने आप को बहुत समझती है छोड़ दे एटीट्यूड बहुत है ज्यादा मैं इन्हें अट्रैक्टिव नहीं ले सकता एक्ट्रेस हां नहीं वैसे ये तो सही कह रही हैं एक्ट्रेस इज नॉट अ वर्ड बाय द वे उनकी फिल्म में एक्टर नहीं मोटरसाइकिल होना चाहिए या उसको नहीं ले सकते यार उसके दिमाग थोड़ा सा जगह पे नहीं है ये दैट टू डिफिकल्ट लड़कियां नहीं पसंद मुझे आई लाइक गर्ल्स जो कोऑपरेट करती हैं आपको वैसे कोई एक्शन एक्टिंग डांस वगैरह आता है क्या बात कर रहा है तू ब्रो के डांस आता है यार रात को मैंने इतना डांस किया पार्टी पे रात को लाइक मैं क्रेजी हो गया था यार तुम लोग कोई भी नहीं आते ये सारे लोग मैंने पापा साईं मत आया साईं के चवाला डिनो को बुलाओ अल्लाह डिनो क्या के डांस कराएगा आपको नहीं अल्लाह डिनो जो है ना वो मेरा राइट हैंड है तो मैं चाह रहा था कि मैं इनको इन्हीं के गाने पे डांस करके दिखाऊं चलें दिखाएं तो सही लियो ब्रो बजा गाना कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि हाय दिल बेचारा का शलवार कमीज वर्जन देखूंगा मैं यार ये तुझे अच्छा नहीं लग रहा नहीं नहीं हमारे गोट्स में ना जी जी आप छोड़ दें आप बताइए सर आप कुछ कहना चाहेंगे कुछ इनको इसके बाद ये क्वालिफाई करते हैं अल्फाज खत्म हो गए हैं उनके भी खत्म हो गए अल्फाज मैं अकेला नहीं जज्बात आ गए अल्फाज खत्म हो गए जज्बाती छोकरा ना जज्बाती डाडुआ डाडुआ एनी अलाइज एक्टर सुठुआ ना और सोड़ा भी हो गया पहले इतना प्यारा नहीं था हां अब ज्यादा लगता है क्यों मैंने हमेशा से ब्रो को बोला था कि बुद्ध भाऊ तू जेको आ ना पाकिस्तान लाइन है इनिया खेता मोकलियो इंटरनेशनल लेवल पे मोकलियो मोकल गया मैं भी मोकल गया मोकल दो बिकॉज व्हाई आई थिंक इससे पहले कि मैं ज्यादा हो रहा है फोन करूं आपके ताया को तो ना ना ताया साईं की फोन ना करदा हां ना ना सुठी गाल ना ओश मम्मी मम्मी अच्छा पियो मस्जिद में मम्मी हां 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 मानी खाई बटिया आई अपोलोजाइज फॉर दैट बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज एंड आई थिंक ये थोड़ा मैं कुछ नहीं कर सकता मेरी भी मजबूरियां होती हैं कुछ नेपोटिज्म सबसे बड़ा तो यहां फिर रहा था मगर अच्छा अब मुझे दिखाएं जरा वो फोन और आपके जो मैसेजेस आए होंगे उसके ऊपर अच्छा तो सारों में से सिर्फ एक ही का रिप्लाई आया है एक ही का रिप्लाई किसका हां महविश का आया है महविश हयात का क्या कहती हैं उन्होंने कहा एलओएल यस आई एम सिंगल बट नॉट रेडी टू मिंगल कैन यू कैन फाइंड समवन फॉर यू इफ यू लाइक आजकल वैसे ही काम रुक गया महविश हयात ने कहा है कि आई एम सिंगल बट नॉट रेडी टू मिंगल कैन फाइंड समवन फॉर यू ओके और बाकी जो चार लोग हैं उन्होंने आपको नहीं रिप्लाई किया बाकी चार लोगों ने माहिरा खान आयशा उमर मेरी शक्ल भी देखेंगी नहीं मुझे पता नहीं शक्ल को छोड़े माया खान माया अली माहिरा खान आयशा उमर और सबा कमर जो है उन्होंने आपको रिप्लाई ही नहीं किया शेरी ऐसा क्यों आपने आखिरी मैसेज क्या किया था उनको ईद मुबारक का ही किया था दिस वॉज श्योरली रॉन्ग फॉलो अप मैसेज ईद मुबारक एंड आई एम सिंगल नाउ
ठीक है वो मुझसे एक्चुअली पूछे कि डज दिस यूजुअली वर्क फॉर यू मतलब वेल ओके आई थिंक जो एक शख्स इन्होंने जिन्होंने इनको रिप्लाई किया आई थिंक इट वुड बी गुड टाइम टू कॉल हर इन एज वेल जैसा भी कुछ होगा आपने घबराना नहीं डरती वरती मैं किसी से नहीं वाह 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 मेरी जिंदगी की एक ही वर्षती हूँ मैं वर्षती और वो आ गई है आर यू ओके व्हाट आर यू लुकिंग फॉर गर्ल ये तूने पहली और आखिरी बार अकलमंदी की बात है ना की बात है अपने ही होट चबा रही हूँ आपको क्या तकलीफ है बताना तो नहीं था आपकी अंदर से किसी वाह याद ने यहाँ पे हाथ गलत लिखे